आई एम फाइन थैंक यू, हाउ यू? फाइन। ये दूसरा बच्चा है ना, लेकिन भाग गया है। सख्त गर्मी में बाहर जो है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ये पहुंच गए हैं शेल पंप पे। अच्छा, अब हमने पेट्रोल भरवा लिया है और अब हम जा रहे हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। ज़रा दिखाओ, आप ये देखें कि टेंट एरिया है और ये लिंक रोड है और ये यहाँ की बड़ी मशहूर जगह है। यहाँ पे मोटरसाइकिलों का त्यौहार बाजार लगता है। आप ये देखें, मोटरसाइकिलें देखे होंगे आप, काफ़ी ज़्यादा सारी हैं। कल जो है कल इधर जगह ही नहीं होगी। आजकल कोरोना की वजह से बंद हुआ है, हम भी नहीं जा सकते बीच में, लेकिन लोग छलांगे लगा के चले जाते हैं। इसकी तो अपनी कहानी है। भाई इसकी अपनी जुबान है जो हमें सिर्फ समझ लगती है और कभी कभी तो सिर्फ अच्छा ही समझ लगती है। तो अब हम जा रहे हैं पुप्पो की तरफ, रवीन को वहाँ छोड़ेंगे, फिर आगे मार्केट जाएंगे क्योंकि कल संडे है, मार्केट फिर बंद होती है। पापा साथ कहाँ जाए? ऑफिस। ओके, घर आ गया। अब ये मैं आ गया, अब देखते हैं ये अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं। ये एक बच्चा पबजी खेल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ यू? फाइन। ये दूसरा बच्चा आया था लेकिन भाग गया है। देखते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है। ये बच्चा रमीन को पकड़ के हैं, वीडियो देख रहे हो तुम लोग, गंदे बच्चे। और दूसरा किधर गया? देखें ये बच्चे कितने बिजी होते हैं इस पबजी में, पता नहीं की पिया गया। आवाम पागल हुई हुई है इसके पीछे। ध्यान से कैंटेरिया, यहाँ शाम को मजा आता है ना। इधर हवा भी बड़ी अच्छी चल रही होती है और मौसम भी बड़ा अच्छा होता है यहाँ का। दरख्त है ना,
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे फेस पे मास्क नहीं था इसलिए मैं सलाम दुआ नहीं ले सकती। पुप्पो के घर पे आके मैंने मास्क लिया है उनसे, तो अब मैं आपसे सलाम लिया है। और रमीन को हमने इसलिए पुप्पो के घर पे छोड़ा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा ये ना हो बेचारी को गर्मी लग जाए, और अभी छोटी है तो इसलिए हम काम भी हमारे ज़रा ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने उसे पुप्पो की तरफ छोड़ा था और फिर निकले थे। ठंडा सुबह के टाइम बहुत मज़ा आता है यहाँ पे और शाम के टाइम, लेकिन जब इस टाइम इतनी गर्मी होती है ना 11-12 बजे के बाद, बस फिर नहीं इतना मज़ा आता है। लोग तो रहते यहाँ पे यही कहते होंगे कि बस धूप ना हो। इशारा बंद, गाड़ी खड़ी होती है तो गर्मी होती है, एसी काम नहीं कर रहा। का ये मेरा ख्याल पाकिस्तान का वाहिद वो है असर ट्रफ का स्टेडियम है। बहुत बड़ा है ना ये? बहुत बड़ा। अब मेरे ख्याल में ये मैचेस वगैरह नहीं होते हैं ना? नहीं, हॉकी के मैचेस होते हैं। मैचेस तो होते हैं यहाँ पे, टीमें भी आती हैं बाहर से। 17.7 और दूसरा वो जो आप बता रहे हैं, दूसरा पे बेबी बाबा है वो बोना पापा हमारे इस्लामाबाद चाहे हैं। वो बोना पापा 13 रुपए का पड़ जाता है। अच्छा चलो वो ही ठीक है। वो कितने का बताया? उसी पे हम अपना वो 6.5 का पैक है, उसमें 50 पीस है ना, उस हिसाब से 13 का पड़ जाता है वो। ठीक है। अच्छा ये अब लगाने यहाँ हमने शैम्पू लेना है, ये भी अच्छा है। जो ज़्यादा अच्छे होते हैं ना उसके पैसे भी बड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये ये है ना जिंक, ये जो जिंक का रेट ज़्यादा हो गया है क्या? ये चीज़ जिंक शैम्पू, ये भी मैंने तो नहीं सुना। जिनसिंग है ना, जिंक बहुत अच्छा शैम्पू था, लेकिन ये जब शॉर्ट होकर नहीं आया। कॉटन है सर, अब 480 का एक पीस है ये। आप कौन सा कह रहे हो? यार मैंने ट्राई की नहीं किया अभी तक, सुना बहुत है। लोरियल लेने वैसे लोरियल का ये वाला कलर सबसे कम आता है। आगे आगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। कलर कम आता है या शैम्पू का फायदा भी तो हो ना यार? नहीं सेल ज्यादा है ना, हिसाब से फिर कम आता है तो नहीं। डव जो ये ड्रीम लॉन्ग वाला है, ये बाल मतलब गिरते हैं उनके हिसाब से बेस्ट है। ये जो जिंक वाले हर्बल शैम्पू है, ये रूट्स वगैरह, ये भी उसी की वजह से बाल गिरने वाले हैं। और ये नारियल वाला है, ये ऐसे बाल स्मूथ वगैरह हो जाते हैं। और इसमें कैरेटिन एग्रेडिंग का आपको पता है, ये भी बालों के लिए सबसे बेस्ट ही होता है बालों के लिए। ये पाकिस्तान वाला तो नहीं है ना ये वाला? नहीं ये इंपोर्टेड है। हाँ। ये भी इंपोर्टेड है। और इस पे डव जो डेली मॉइस्चर वाला, ये भी सिल्की है। ये डव तो बहुत ही बुरा है। डव आप पाकिस्तानी लेके जाते होंगे, इंपोर्टेड वाला है ये। नहीं डव बाहर का बहुत अच्छा है, ये बाहर वाला है, हमारे पास पाकिस्तानी नहीं होते। नहीं ये नहीं ट्राई किया ना, या ये ज्यादा अच्छा चाहिए ना फिर ये लेने, लेकिन साइज इसका साइज बड़ा है उस हिसाब से, क्योंकि रेड कलर जो हमने पीछे देखने रखा हुआ है, जो लोग बोलते हैं ना सब, हम उनको वही रेड दिखाते हैं क्योंकि इसकी सेल सबसे ज़्यादा है। जी मैं ये लेने लगी हूँ, ट्रस्ट मी ग्रीन। चलो और रजी लेने लगे हैं इतर। लेकिन वो ये है कि जो पास खड़ा होता है ना, फिर दिल करता है कि यार इसके पास ही बंदा खड़ा है। हमारे पास होता था मस्कुल मदीना नाम है उसका, मस्कुल मदीना। आप इसकी देख लें, सामने ग्रीन पड़ा है इसकी वैसी। इसमें लवली मेरी गुम गई थी, वो भी एक जार दे दें छोटा। टेस्ट मैं ले इसकी, क्यों नहीं आ रही? उसको भी मैंने सुनी थी, कोशिश की थी, लेकिन सुंदर सुंदर तेज ना हो, नहीं तेज चाहिए इसकी, देख लें इसकी, उसकी बहुत तेज है।
मीठी मीठी सी होनी चाहिए जी। मीठी है फिर पता नहीं कब आना होगा कब आना नहीं होगा, फिर बीच में कोरोना आ जाएगा। हाँ फिर चौथी लहर का कह रहे हैं आज ही, अब देखें। कि मास्क लेके गए हैं कभी, लगाया तो है नहीं हमने। ये मैं लेके गया हूँ कॉलेज, हफ्ता खुले हफ्ते पहने के, उस वक्त पहने ही नहीं है ब्लैक। हाँ हम बस सोच रहे हैं कि हम वो छोड़ कॉलेज में दो सकते हैं। अच्छा खासा कमा रहे होंगे। कितने पैसे बनाए? 12 ये मुझे दिया कितना तुमने? नहीं 200 दिया ना। नहीं आपको 250 वापस करना था। नहीं नहीं ये तो मेरे पास होता है। ठीक है 250 वापस की। अच्छा और कुछ लेना? अर रहमान सुपर स्टोर जी, यहाँ से हम सारा सामान लेते हैं कॉस्मेटिक्स का। कॉस्मेटिक्स का और ये है अर रहमान सुपर स्टोर। ठीक है आप देख सकते हैं नवाबाद में, आप लोग आए और इधर से लें। इधर के जो अंकल हैं बड़े अच्छे हैं, और ये वाले अभी भाई अंकल नहीं है, अभी अंकल नहीं है, उनके भाई बेटे हैं। अंकल ज़्यादा अच्छे हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं। चलो जी चलो। ये छली खाएंगे किसी को नहीं, अभी नहीं खाएंगे वो निकल जाती है। पता करने में तो कोई हर्ज नहीं। इधर दिखाओ जरा, बड़ी होनी चाहिए ना। यहाँ रज़ी के लिए वेस्ट कोट देख रहे थे, क्योंकि ऑफिस में शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट ही चलता है, भले जितनी मर्ज़ी गर्मी, उन लोगों को तरस नहीं आता बेचारों पे कि इतनी गर्मी में वेस्ट कोट बनियान पहनने को मन नहीं करता, और वो वेस्ट कोट पहनना ज़रूरी है। तो दो तीन हैं, लेकिन गर्मी की वजह से दो दिन बाद तीन दिन बाद चेंज करना पड़ता है। तो मैंने कहा था अब नज़र आ गया था तो मैंने कहा देख लेते हैं, लेकिन हमें साइज़ नहीं मिला, और जो साइज़ था वो मतलब इतना अच्छा नहीं था, क्वालिटी वाइज भी अच्छा नहीं था। तो जो एक अच्छा लगा था वो मतलब पूरा नहीं था। वो गर्मी इतनी लग रही थी कि और देखने को दिल नहीं कर रहा था, ना किसी और शॉप पे जाने को दिल कर रहा था। फिर हम लोग बाहर निकले, क्योंकि रज़ी का ट्राउज़र वगैरह लेना था, तो उसका भी था, वो भी धूप थी, दूर जाना था, धूप इतनी थी बाहर। तो बस फिर हम लोगों ने ये एक लास्ट देखा था, और बस फिर बाहर निकले। लीमू का पता करना था, अंकल नहीं थे वहाँ पे। और बस ये था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।